हेलो, आपने देख लिया होगा मेरी डिस्प्ले पर क्या मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या मैं आपको इसके बारे में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मेरा फेस वॉश है, यहाँ पर आप देख सकते हो बारकोड बना हुआ है, ठीक है। और अभी मैं आपको कुछ बॉटल्स भी दिखा देता हूँ। भाई ये मेरा है सेवन अप नींबू, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बारकोड बना हुआ है। और अभी मैं जो कोक पीता हूँ ना भाई, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी बारकोड बना हुआ है। और मैं जो पानी पीता हूँ भाई, उसके ऊपर भी बारकोड बना हुआ है। अभी मैं आपको बारकोड के बारे में बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल, भाई क्या होता है। और आप भी भाई अपना बारकोड बना सकते हो, जैसा अब हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है यार ये चीज़ें। मतलब हम बारकोड से स्कैन करते हैं, गूगल पे ट्रांसफ़र्स करते हैं, या हम कोई भी फ़ोन पे यूज़ करते हैं, या हम कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र वाली जो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो भाई हर किसी के अंदर बारकोड यूज़ होता है। बारकोड मैं दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिए हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के बारकोड्स होते हैं। ये इस तरह के भी होते हैं कुछ बारकोड्स, और कुछ इस तरह के होते हैं। तो मैं आज आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि भाई आप अपने बारकोड कैसे बना सकते हो। और ये आप देख सकते हैं फ़ोन पे मैंने अभी यहाँ पे डाला, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी बारकोड यूज़ किए जाते हैं। मतलब बारकोड से ये होता है कि हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बारकोड आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। आप किस तरह से अपने बारकोड जनरेट करना चाहते हो, जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि भाई मैं बारकोड के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं। मतलब आपका जैसे मानने के बाद ये प्रोडक्ट है और आप इसको और भी मतलब सेल करना चाह रहे हो, तो इन्होंने बारकोड दे दिया। यहाँ से आप बारकोड पर स्कैन करोगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो इसके मतलब यहाँ पर लिखी हुई है ना भाई, वही आपको बारकोड के अंदर मिल जाएगी जेन्युइन तरीके से। और इनका बारकोड का ये होता है कि भाई जेन्युइन तरीका पता चलता है बारकोड के मतलब अंदर कितनी क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ था। तो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ये बारकोड आपने बहुत सारी दुकानों पर लगे हुए देख सकते हैं देखे होंगे, और इनमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक बारकोड जो मैन्यू जो बनाया हुआ है, वो कुछ मनी ट्रांसफ़र्स को लेकर के बनाया हुआ है। अगर जो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल वाउटेक का भी एक बारकोड बन जाए, तो मैं वो भी आपको जनरेट करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन भी बताऊँगा जिससे आप अपने 5 से 10 सेकेंड के अंदर अपना बारकोड जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ भाई। ये कुछ इस तरह का गूगल पे का बारकोड है, आप देख सकते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे शॉप पर आपने देखे होंगे रखे हुए, ठीक है। और कुछ इस तरह के भी आइकन्स आपने पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर आपने ये देखे होंगे यहाँ पर। और तो मतलब बहुत ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने कहा था, कुछ इस तरह से भाई ये हमारी कंट्री होने वाली है। मतलब अब कोई 1 रुपया भी जेब में रखना पसंद नहीं करता, हर कोई चाहता है कि भाई मैं खुद ऐसा ही हूँ कोई 1 रुपये की मतलब कोई आइटम ज़रूरत पड़ जाती है, भाई मैं चाहता हूँ कि भाई वो 1 रुपया भी मैं मनी ट्रांसफ़र करूँ। क्योंकि हर आज के टाइम में हर कोई अपना टाइम बचाना चाह रहा है। आपने देखा भी होगा कि मतलब मनी मतलब हम कैश भी रखना, ये अच्छा है कि हम कैशलेस हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी है भाई। एक बार मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी बताता हूँ भाई। मैं ऐसी जगह फंस गया था जहाँ पर कोई मनी ट्रांसफ़र का कोई सीन नहीं है, और कैश था नहीं, और कैश के बगैर वहाँ पे काम भी नहीं चलेता। तो मैं उस सिचुएशन से कैसे कैसे करके भाई निकला हूँ, कैसे मैंने दूसरे बंदे को बुला करके इतनी दूर, और मैंने वो ट्रांसफ़र फिर उसको पैसा दिया है भाई कैश में, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। क्योंकि ये चीज़ अब हर जगह वैसे अवेलेबल होती जा रही है धीरे धीरे। शहरों में तो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, उसके बाद टाउन्स में भी हैं, अभी गाँव में भी बहुत सारी ये अवेलेबल हो गई हैं इस तरह की चीज़ें। हर किसी की दुकान पर आपको बारकोड मिल जाएगा, या नहीं भी मिलता तो भाई बारकोड जैसा हम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, तो भाई हमारा खुद का बारकोड होता है, हम स्कैन करा सकते हैं, तो वहाँ से भी हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बारकोड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया है कि भाई बारकोड क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और बारकोड हमारे कोई भी हम बाहर से मार्केट से प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करते हैं, उस पर बारकोड लिखा हुआ होता है, और उसके अंदर क्या होता है, हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती हैं। जो कोई भी उसको एप्लीकेशन के थ्रू सर्च करेगा, उसी को ही वो मतलब वहाँ पर हमारी हिडन जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, तभी वही बंदा देख सकता है। उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस यूट्यूब प्ले स्टोर पर हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मैं आपको डाउनलोड करके एप्लीकेशंस दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या इसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरी बहुत जल्दी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप भी अपना 5 से 10 सेकंड के अंदर अपना बारकोड जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ
बारकोड स्कैन करके दिखाने वाला हूँ कि भाई स्कैन करने के बाद कौन सा क्या हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल में बारकोड स्कैनर सर्च कर लेता हूँ। बारकोड मैंने अपने सेकंड मोबाइल में बारकोड स्कैनर डाउनलोड कर लिया है, और QR स्कैनर कोड ये आप देख सकते हैं। आप भी इस तरह की एप्लीकेशन जो आइकन होगी सबसे पहले वाली, उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार कोड सर्च करके दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, और भाई धीरे धीरे मैं यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूँ भाई आपको, ताकि कुछ सीखने को मिले उससे। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च बार है, ये आपके बार कोड को सर्च करेगा। अभी मैं आपको एक बार कोड सर्च करके दिखाने वाला हूँ भाई। सबसे पहले मैं गूगल पे चलता हूँ अपने, और यहाँ से मैं एक बार कोड ले लेता हूँ। ये मैंने बार कोड ले लिया, यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। अभी मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च हो गया, और कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं ऊपर आ चुकी है। और अगर जो हम इसको शेयर करना चाहें तो हम शेयर भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम कॉपी करना चाहें देख सकते हैं आप, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी है, कॉपी का ऑप्शन भी है, और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसकी जो हिडन इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी मैं एक दो बार कोड और सर्च कर लेता हूँ। अभी मैंने एक गूगल से एक बार कोड उठाया वेबसाइट का, तो अभी मैं आपको इसको स्कैन करके दिखाने वाला हूँ उसके अंदर क्या हिडन इन्फॉर्मेशन है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ बार कोड के अंदर हेलो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब आप भी कोई मैसेज दे सकते हो इस बारकोड के थ्रू। तो भाई आप भी अपनी किसी भी वेबसाइट का बारकोड बना सकते हो, अपनी हिडन इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। जो भी उसको बारकोड को स्कैन करेगा वही उसको जो स्कैन करेगा उसी को वो इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी। जैसे मैंने आपको बारकोड की बात बताई थी ना भाई, एक मैं अभी आपको एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ बारकोड का, वो क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। अभी मैं डोमिनोज आया हूँ, डोमिनोज में इन्होंने ना कुछ चेयर रखी हुई हैं, ठीक है। चेयर रखने के बाद यहाँ पर इन्होंने बारकोड लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अब लगाना, इन्होंने मुझे बोला कि भाई आप बार कोड पर स्कैन करो उसको, और हमारे जितने भी आप ऑर्डर करोगे तो हमारा मेन्यू वहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने बार कोड भी जैसे स्कैन किया इनका, तो वहाँ पे इनका सारा मेन्यू आ गया। फिर मतलब मैंने जो वहाँ पे मेरे को आइटम लेना था, मैंने आइटम सेलेक्ट करके उसको ऑनलाइन पे कर दिया। तो ये भी मतलब बार कोड का एक बेनिफिट होता है कि जैसे इस तरह की आपदा आ जाती है भाई, जैसा भी चल रहा है कोरोना का टाइम, तो बस जैसे कैशलेस बनाया हुआ इन्होंने, तो इन्होंने ना अपनी पूरी वेबसाइट्स को जो डोमिनोज की है, जो भी इनका मेन्यू है, सब इन्होंने उसको बारकोड के थ्रू लिंक मतलब उसको वहाँ पर लैंड करा देते हैं अपनी वेबसाइट पे और अपने मेन्यू पर। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, और मैं इसको आज इधर आया हूँ और वीडियो पेंडिंग में है, तो मैं इसको जाके वहाँ ऐड करूँगा। और उसके बाद आप देखना भाई मैं कितने मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ लाइव एग्जाम्पल मैं दिखा ही रहा हूँ कहीं ना कहीं भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बारकोड वाला जो आज की जो हमारी वीडियो थी ये समझ आ चुकी है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई मेरे को एक कमेंट जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।